गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा बॉडी पार्ट है, क्योंकि बिना ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता है। तो हम जो ये वीडियो अभी आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं, इसमें दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेसिक जो जानकारी होंगी, बेसिक कंसेप्ट, वो आप जानेंगे। और सेकेंड पार्ट में आप समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का ऑपरेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ताकि आप ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ लेंगे, सारे बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्या करेंगे, अभी समझेंगे। और कोशिश ये रहेगा हमारा कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और ह्यूमन ब्रेन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत इजी वे से आंसर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट का जो वीडियो आएगा, कि मान लेते हैं किसी के ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो गया तो ब्रेन का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो वो अलग पार्ट में आएगा। ठीक है, वो सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए, जिस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में जो CPU है वो पूरा उसका मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेन उसका पार्ट होता है CPU, उसी तरीके से पूरे बॉडी सिस्टम में ब्रेन जो है CPU की तरह ही काम करता है। अगर मान लेते हैं किसी इंसान से अगर ब्रेन अगर हम लोग निकाल लें, किसी इंसान के अंदर से अगर ब्रेन निकाल लें, तो बताइए फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको क्या डिसीज़न लेना है क्या नहीं करना है उसका मतलब प्रोसेसिंग यूनिट ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे हम लोग और भी मजाक के तौर पर बोलते हैं कि लड़कियों में दिमाग की कमी होती है। ठीक है, तो अभी आप समझेंगे कि क्या क्यों ऐसा कहा जाता है, साइंस भी इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो गर्ल्स अगर कैंडिडेट होंगे तो आप इसको बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस ही कहता है कि ह्यूमन मेल का जो ब्रेन का वेट है वो कितना है, फीमेल के ब्रेन का वेट कितना है, तो आप खुद उसका डिफरेंस समझेंगे। और भी ब्रेन के बारे में बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे ताकि आप वो अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो लेट अस डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन है क्या। ठीक है, मानव मस्तिष्क, देखिए ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो कह रहा है कि ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। किस तरह के इन्फॉर्मेशन को वो कैरी करता है ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है। ठीक है, जितना सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, कैरी करेगा। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और सामने से इंसान आ रहा है तो आप बगल से पास कर जाएंगे, उसको भी आप साइड दे देंगे। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई अनवांटेड थिंग्स, अगर मान लेते उधर से कोई जानवर आ गया तो आप उसमें जाकर टक्कर नहीं मारेंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ये मैसेज करेगा कि आपको बगल से निकल कर भाग जाना चाहिए। ठीक है, या फिर उससे दूर हट जाना चाहिए, फिर आपको रुक जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सिचुएशन में वहाँ पर हैं और कैसे उसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेन मेड अप 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल। यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रेन है वो कितने बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, कितने मतलब न्यूरॉन सेल से मिलकर बने हैं। तो आपको ध्यान देना हो कि 100 बिलियंस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका MCQ है। क्लियर है, तो 100 बिलियंस न्यूरॉन सेल से मिलकर बने हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 बिलियन जो है वो आपका एक्टिवेटेड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, अगर कहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी सेल्स आर एक्टिवेटेड, कितने एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो आपको समझना होगा कि 15 बिलियन जो सेल्स हैं वो हमेशा जागरूक रहती है, मतलब एक्टिवेट होती हैं। तो बाकी क्या डीएक्टिवेट रहती है, ऐसा नहीं। देखिए, बात ऐसा है कि आप कहीं अगर किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, तो मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह के फूड वगैरह लगे होते हैं, स्टॉल लगे होते हैं, बुफे सिस्टम होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सब आइटम ही ले लेते हैं, ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि पूरा भर लेगा, बात समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। तो यही कह रहा है कि 100 बिलियन से तो मिलकर बने न्यूरॉन सेल, लेकिन एक्टिवेटेड फॉर्म में कितना काम करेंगे, 15 बिलियन। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं कि ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो कौन से एज में एक्टिवेट होते हैं। तो 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 1 to 5 years,
उसी समय हमेशा ये क्या होता है, न्यूरॉन कोशिका एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, एक्टिवेट होती है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का नॉर्मल वेट क्या होता है, ये कह रहा है क्या चीज़ कि पुरुष का जो होता है, मतलब जो ह्यूमन बींग का होता है, मेल का होता है, वो कितना होता है, 1400 होता है ग्राम, ठीक है ना। और ये जो फीमेल का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1100 ग्राम हो गया। अब बताइए कि जो औरतों का, जो लड़कियों का ब्रेन है, वो लड़कों के अपेक्षा उसका जो वेट हुआ वो 300 ग्राम क्या हुआ, कम है। तो 300 ग्राम कम है, बताइए आज तक से ये 300 ग्राम कम है, इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, ये साइंस भी प्रूफ कर रहा है। तो 300 ग्राम कम है, तो हो सके 300 के वायर का कनेक्शन छोड़ा होगा, लेकिन कोई उन लोगों के साथ मतलब डिस्कशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये बात हर व्यक्ति को पता रहता है कि उन लोग का दिमाग कम है, इसलिए जो कर रही है, हाँ चलो भाई डन, यही सही है, जो तुम मानो वही है, आम कोई मिली गया तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो खैर वो नहीं है, इधर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव मिले, कि अगर कहा जाए कि ब्रेन जो है वो कितने न्यूरॉन सेल से मिलकर बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 100 बिलियंस, ठीक है। कितने एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो 15 बिलियंस आर इन एक्टिवेटेड फॉर्म। ये जो इसका डेवलपमेंट होता है वो कितने से कितने साल के बच्चों के बीच में होता है, तो 1 से लेकर 5 साल के बच्चों के बीच में होता है, क्लियर। पुरुष में जो मेल में होते हैं वो कितने ग्राम का आपका ब्रेन होते हैं, तो आपको याद रखना 1400 ग्राम का, और जो फीमेल में होते हैं वो 1100 ग्राम का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड स्लाइड में, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। अब देखिए जब इतना इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये सिस्टम है ब्रेन, तो उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए भी कोई ना कोई फंक्शन होता होगा, कोई ना कोई पार्ट्स होता होगा। अगर मान लीजिए कि मेन हमारा जो सिस्टम ब्रेन है, ठीक है, सब चीज़ को कैरी करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को, कौन सा सही है कौन सा सही है गलत है, ये सबको वो बैलेंस करता है, तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा मामला है। क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स एंड स्केल स्केल स्कल, ये समझते हैं आप लोग। ब्रेन जो है बहुत सारे सतहों से मिलकर बने हैं, उससे कवर होते हैं, और स्कल का मतलब क्या होता है, खोपड़ी से बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग स्कल इस तरीके से बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। अगर कोई पूछे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हैं, तो आप याद रखेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। बात समझ में आ रहा है ना, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। वो कौन कौन सा, तो पहला कह रहा है कि ड्यूरा मैटर, ठीक है, सेकंड कह रहा है आर्कनाइट मैटर, और थर्ड कह रहा है पिया मैटर। ये होता कहाँ है, देखिए ये थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा है, अगले स्लाइड में हम इसी का थोड़ा बड़े फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे लेयर ऑफ ब्रेन के बारे में। ये मेन हमारा 3 है जो प्रोटेक्ट करता है, ड्यूरा मैटर, आर्कनाइड मैटर और पिया मैटर। कोई अगर आपसे पूछेगा कि जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है, ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स कवर द ब्रेन मेनली, तो योर आंसर विल 3। फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज आर्कनाइड मैटर, और थर्ड इज पिया मैटर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ब्रेन का ये लेयर है, ठीक। कभी किसी का सर्वर फटता है तो आप लोग देखे होंगे, हम लोग उसमें टांका देते हैं, डॉक्टर से इस तरीके से सर्जरी करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको ठीक ठाक करते हैं। तो कितने सारे लेयर्स इस तरीके से बने होते हैं, आगे हम लोग चलेंगे इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कितने पार्ट में ये क्लासिफाइड है, और उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उसके पार्ट के अंतर्गत सब पार्ट भी कितने हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या चीज़, 4 ब्रेन, ठीक है ना। 4 ब्रेन में क्या है, ये छूट गया, 4 ब्रेन में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अग्र मस्तिष्क। सेकेंड वाला क्या है, मिड ब्रेन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, मतलब जो बीच में रहे। और थर्ड क्या है, हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क। तो मतलब आगे पीछे और बीच में, और आप यहाँ देख रहे हैं ब्रेन का ये क्या है हमारे पास, इस तरह से ऐसा है। तो अब देखेंगे कि 4 ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, फिर मिड ब्रेन में कौन कौन से आते हैं, फिर हिंड ब्रेन में कौन कौन से आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में इसके मतलब ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। पहला नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर वो क्या होगा, 4 ब्रेन, सेकेंड नंबर क्या होगा, मिड ब्रेन, और थर्ड नंबर क्या होगा, हिंड ब्रेन, क्लियर है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें कुछ समझेंगे। सबसे पहला नंबर आता है 4 ब्रेन में सेरेब्रम, ठीक है। ये सेरेब्रम क्या होता है, किस तरीके से समझेंगे।
सेरिब्रम जो है कह रहा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. कह रहा है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का. अगर कोई पूछेगा विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आप बोल सकते हैं क्या चीज़, सेरेब्रम. ठीक है, और ये दो साइड में डिवाइड है, एक कौन सा, लेफ्ट साइड, और दूसरा LHS और RHS, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, कह रहा कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है. देखिए हम मेंशन भी किए हैं कि ताकि आप देखकर इसको समझ जाएंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा होता है. देखिए ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. ठीक है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दो पार्ट में बड़ा रहता, और जब हम इसको क्या करते हैं कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, सेरेब्रम हो जाएगा. तो हेंस इट इज क्लियर दैट द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट इज राइट एंड दूसरा लेफ्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. क्लियर है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कह रहा है हाँ क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है कि ये जो हमारा सेरेब्रम होता है वो कितने डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड है. तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये दो डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड है. पहला कौन सा, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा कौन सा, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और आप इस फिगर में देख रहे हैं लेफ्ट और राइट. आगे चलते हैं, कह रहा है कि दिस बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड बाय कॉर्पस कलम. ठीक है ना, कह रहा है कि ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में अंदर से कॉर्पस कुलर के द्वारा जुड़े रहते हैं. देखिए अब ये कॉर्पस कॉलम क्या होता है, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो सेरेब्रम है लेफ्ट और ये राइट, ये जिसका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो किसके साथ आपका ऐड है, तो इसके साथ, इसके द्वारा जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलम के द्वारा. अगर कोई कहा जाए कि ये आपका दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, तो योर आंसर विल बी कॉर्पस कॉलम. ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कॉर्पस कुलर के द्वारा, मतलब कनेक्ट होता है. क्योंकि देखिए अगर दो चीज़ों का अगर कनेक्शन करना है, दो ईंट को भी अगर आपको जोड़ना है तो बीच में सीमेंट बालू इस तरीके से डालना पड़ेगा, तब जाकर वो चिपकेगा. उसी तरीके से लेफ्ट और राइट जो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसका कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग, उसका कनेक्शन किसके द्वारा होगा, कॉर्पस कुलर के द्वारा. इज इट क्लियर, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्या कि अपर पार्ट द सेरेब्रम मेड अप नर्व सेल बॉडी विच फॉर्म द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अब क्या कर रहा है कि सेरेब्रम का ऊपरी भाग, ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है, देखिए अभी हम आपको बताएं कि ये तो लेफ्ट और राइट में है इस तरीके से, सबसे इसका ऊपर वाला पार्ट है यहाँ वाला. तो इस पार्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए हैं, ठीक है ना, इस पार्ट को देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाए हैं. तो कह रहा है कि सेरेब्रम का सबसे अपर भाग जो है नर्व कोशिकाओं से मिलकर बनता है और यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है. ठीक है ना, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है. आप देखिए जब इस पार्ट को आप देखेंगे, जूम करके आप देखेंगे, तो इस तरह से आपको फिगर मिलेगा ऐसा. ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. बात समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर. तो कोई अगर आपसे पूछे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो आप बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम मेड ऑफ नर्वस सेल बॉडी विच फॉर्म्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इज इट क्लियर. तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि जिसका जो अपर पार्ट है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनता है, जब हम लोग और भी अंदर चलेंगे इस तरीके से, तब फर्स्ट नंबर पे आया क्या चीज़, ग्रे मैटर, और सेकेंड वाला क्या चीज़, वाइट मैटर. उसके बाद और सब भी ऐसा ऐसा है लेयर्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. आगे चलते हैं पार्ट ऑफ द सेरेब्रम. अब देखिए अब सेरेब्रम का कितने टाइप्स के पार्ट है, तो आप समझेंगे चार. फर्स्ट नंबर क्या चीज़, फ्रंटल लॉब. सेकंड नंबर क्या चीज़, पैरेटियल लॉब. थर्ड नंबर क्या चीज़, ऑक्यूपाइटल लॉब. और फोर्थ नंबर क्या चीज़, टेम्पोरल लॉब. कोई अगर पूछे कि आपका पार्ट ऑफ सेरेब्रम कितने तरह के, तो आप बता सकते हैं फोर टाइप्स के. इज इट क्लियर, आगे चलते हैं तो समझते हैं. नेक्स्ट करें कि फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम VVI है, क्या इसका फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे. सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कह रहा है कि इट स्टोर अ मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. कह रहा है कि इट स्टोर अ मेमोरी, देखिए भाई, एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. देखिए आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ याद करते हैं,
तो ये स्टोर करता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, और सोचने का भी आपको शक्ति प्रदान करता है, डिसीजन लेने का भी प्रदान करता है। अब कोई वो बोले कि किस तरह का, किसी का अगर मान लीजिए कि सेरेब्रम खराब हो गया, उसको डिसीजन लेना कि कोई अगर आया तो उसको रिस्पेक्ट देना और वो ही लगे मारने के लिए, तो समझिए कि उसका तार छोड़ दिया है ना बात, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो कह रहा है कि यह याददाश्त को संग्रहित करके रखता है, ठीक है, मेमोरी को रखता है, और हमारे सोचने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है, साथ ही साथ निर्णय लेने भी मदद करता है। किसी का अगर डिसीजन पावर देखते हैं कि हमेशा बदलता होता है, बदलता रहता है, ये करे वो करे, ये करे ये पढ़ाई करे वो पढ़ाई करे, तो और वो कुछ नहीं कर पाता, तो एक बार वो सोच ले कि ये करना है तो करना है, तो ही विल डेफिनेटली सक्सेस। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर, ये इसका फर्स्ट नंबर है एप्लीकेशन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। सेकेंड नंबर फंक्शन कह रहा है कि इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर हियरिंग, ये और भी क्या काम करता है, सुनने में, टेस्ट में, पेन में, टेम्परेचर फील और स्मेल में काम करता है, ठीक है। हिंदी में समझिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस तरीके से देख रहे होंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहे थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इजिली आप उसको लिख भी सकते हैं, अभी आप वीडियो को देखेंगे। यह कई प्रकार की गतिविधि करता है, जैसे कि सुनने की क्रिया, स्वाद, दर्द, तापमान महसूस करना, और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध को महसूस करवाना। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर बोलिएगा क्या है कि कभी कभी देखते हैं ना कि कोई कुछ भी खा लेता है, उसको टेस्ट ही नहीं पता चलता है, ठीक है, किसी को सुनाई देता है, या फिर उसका डिसीजन पावर थोड़ा सा कम है, या फिर वो अप्रोप्रिएट तरीके से मतलब किसी भी चीज़ को नहीं हैंडल कर पाता है, तो समझिए कि उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो ये आप कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, तो आप ये समझ रहे हैं। थर्ड नंबर देखेंगे थोड़ा सा इसका फंक्शन, कह रहा है कि इट ऑल्सो मेंटेन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स, कह रहा है कि यह पेशियों के संकुचन एवं शीतलन पर भी नियंत्रण करता है। तो दीज आर द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ देख रहे हैं, टेम्परेचर फील और स्मेल। इसी तरीके से क्या था कि एक इंजीनियर था, थोड़ा सा समझिएगा, तो इंजीनियर क्या किया, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो क्या किया कि अपना क्लिनिक खोल लिया, और आगे वो लिख दिया था, पता है क्या लिखा था, लिखा था कि इलाज नहीं होने पर दुगना फीस वापस, और इलाज का जो रेट था वो 500 था। तो उसी तरीके से सरदार जी गए और वो सोचे कि हम क्यों ना मतलब 500 देते हैं, 500 में अपना पुर्जी लगाते हैं, इस तरह का होता है ना काउंटर पर, और ऐसा हम रोग का नाम बताएंगे कि डॉक्टर के पास होगा ही नहीं। तो ठीक है, वो 500 में अपना नंबर लगाए, डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ सरदार जी, तो सरदार जी बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमको टेस्ट ही नहीं बुझाता है। बोले अच्छा, तो डॉक्टर बोले कि कंपाउंडर कमियर, वो जो डब्बा रखा हुआ है ना उसमें से 21 नंबर डब्बा, ध्यान रखिएगा 21 नंबर जो डब्बा है उसमें से 2 बूंद इनको पिला दीजिए। तो कंपाउंडर गया और 2 बूंद पिला दिया, पिलाने के बाद सरदार जी बोले कि अरे ये तो पेट्रोल था, तब बताइए उनको याददाश्त आ गया, सॉरी टेस्ट आ गया, तब तो उनका 500 गया। अब सरदार जी बहुत ही दुखित मन से चले आए। फिर कुछ दिन के बाद सोचे कि अरे ये डॉक्टर से तो मेरा 500 रुपये चला गया है, तो फिर वो क्या किए कि फिर से गए और बोले कि इस बार ऐसे डिजीज़ का नाम बताएंगे कि उनके पास कोई इलाज होगा ही नहीं, ठीक है। अब वो उनको ये नहीं पता कि इंजीनियर डॉक्टर बना हुआ है, तो इस बार जाकर बोल रहे हैं कि फिर से वो 500 का लगा, ठीक है, पहली बार में 500 गया उनका, सेकेंड बार में फिर 500 का वो नंबर लगा, और नंबर लगाने के बाद में बोल रहे हैं कि हमको ऐसा अभाव, अब कौन सा वो रोग लेकर जा रहे हैं सरदार जी, वो बोल रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा मेमोरी कमज़ोर है, हमको याद ही नहीं होता है। बोले अच्छा, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कंपाउंडर कम हियर, वहाँ जो 21 नंबर डब्बा है उनको लाकर उसमें से 2 बूंद पिला दीजिए। तो सरदार जी बोलेंगे अरे नहीं 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 21 नंबर डब्बा में तो पेट्रोल है। तो सरदार जी बोले अरे वाह बहुत अच्छा, तो आपका तो याददाश्त तो बढ़ गया, तो यहाँ भी उनका 500 रुपये चला गया। फिर सरदार जी बहुत निराश मन से चले आए। अगले दिन फिर वो प्लानिंग किए कि फिर चलते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वो गए और 500 का क्या किया, वो नंबर लगा काउंटर पर जाकर, ठीक है, दुगना पैसा लेने के चक्कर में। तो इस बार बोले कि हम ऐसा डिजीज़ का नाम बताएं कि डॉक्टर्स के पास हो गए नहीं, और ये भूल रहे थे कि इंजीनियर क्लिनिक खोला है और लिखा है कि इलाज नहीं होने पर दुगना पैसा वापस। तो थर्ड वाले में बोलते हैं वो जाकर कि हमको दिखाई नहीं देता है। तो डॉक्टर बोले ठीक है, तो इसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है, ऐसा है कि आप अपना ये 500 ले लीजिए। तो डॉक्टर उनको देते हैं पैसा, ठीक है, देने के बाद फिर वो सदा जी करते अरे ये 500 कहाँ, ये तो 50-50 का नोट है। तो डॉक्टर बोले कह रहे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दिखाई भी देने लगा।
तो इंजीनियर बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो किसी भी काम को करते हैं तो बहुत अलग तरीके से करते हैं, और कहीं भी ऐसा लिखा होता है कि इस काम को कीजिए फिर दुगना फीस वापस रिटर्न, तो इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे कि वही सरदार जी डॉक्टर के चक्कर में पड़े और लेना था उनको 1,000 तो देकर चले चले हैं 1,500। इसलिए उन लोग से वो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग मतलब किसी भी चीज़ को यूजेबल बना देते हैं, ऐसा वो कंस्ट्रक्टेड माइंड होते हैं इंजीनियर, दे आर नॉट अ डिस्ट्रक्टेड माइंड। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम क्या है, थैलेमस। थैलेमस के बारे में थोड़ा समझिएगा, ठीक है? कोई पूछेगा कि थैलेमस कैसा होता है, कभी देखे हैं तो कौन अपना खोपड़ी खोल कर देगा, भाई ऐसा तो कोई बात बात ही नहीं है। तो थैलेमस जो होता है वो दो तरह के मैटर को क्या करता है, ये कंटेन करता है। पहला कौन सा, ग्रे मैटर, और दूसरा कौन सा, व्हाइट मैटर। आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लू टाइप का नेवी ब्लू, और साथ ही साथ इसके साथ व्हाइट है, तो ये हमारा क्या है, थैलेमस है, ठीक है? और ये कह रहा है कि इट कनेक्ट सेरेब्रम टू मिड ब्रेन। ये थैलेमस जो है वो सेरेब्रम और मिड ब्रेन, ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट किए होता है, कनेक्ट किए रहता है, ठीक है? आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो कोई पूछेगा कि थैलेमस क्या है, तो आप ये बताएंगे कि थैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो सेरेब्रम को मतलब सेरेब्रम को मिड ब्रेन से कनेक्ट किया होता है, और ये बीच वाला पार्ट है, और इसमें दो तरह के मैटर होते हैं, पहला कौन सा, ग्रे मैटर, और दूसरा कौन सा, व्हाइट मैटर, ठीक है? अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबी आई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबी आई रिलेटेड विद द थैलेमस, ठीक है? देखेंगे, अगर कोई पूछे या फिर आपके एग्जाम में है कि विच इज द स्टेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का स्टेशन कहाँ है भाई, तो आप बोलेंगे कौन सा, थैलेमस। इसलिए कहा जाता है क्या जी, थैलेमस इज द स्टेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है? क्यों, इट कैरी ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर, एंड इट सेंस टू द सेरेब्रम। देखिए ये काम क्या करता है ना, कि जो थैलेमस है, अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ खड़ा है, उसको एक झाप मार दीजिए, तो किसी को मारेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है थैलेमस, अगर मान लीजिए ठीक ठाक काम किया, तो उसको मतलब वो सेरेब्रम को कैरी नहीं करेगा, ये तुमको मार रहा है। अगर किसी का सही ठीक ठाक रहा थैलेमस, वो ठीक से इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया, तो वो आके पटक के और मार मारेगा, बात सच मारा ना। इसलिए हम लोग थैलेमस को क्या बोलते हैं, स्टेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव है तो आराम से आप टिक करेंगे, तो आपको बात समझ में आ गई क्या चीज़, कि विच इज़ द स्टेशन ऑफ ब्रेन, तो योर आंसर विल बी थैलेमस। सो हैंस यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट थैलेमस इज द स्टेशन ऑफ ब्रेन। क्लियर है? और ये काम क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को लेकर देता है, मतलब ये खबरी लाल है, मान ली कहीं कोई घटना हुआ तो तुरंत बताएगा, अरे यहाँ पे ऐसा हो गया। तुम्हारे बॉडी में भी, हमारे ब्रेन में यही काम करता है, किसी को आप स्विच चुभ हो दीजिए, पिन चुभ हो दीजिए, तो फट से इन्फॉर्म करेगा, अरे ऐसा काम हो गया, ये स्विच चुभ हो दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हो गया। हिंदी में भी इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि थैलेमस विभिन्न प्रकार के संवेदनशील, ठीक है, जानकारी, जैसे कि दर्द, मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, अब कौन सा दर्द हो, या फिजिकल दर्द वाला, इमोशन वाला दर्द नहीं, बात समझ में आ रहा ना, तापमान, स्पर्श, इन सब को शरीर से लेकर सेरेब्रम तक भेजता है, ठीक है? आप समझिए थैलेमस के बारे में। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है? हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कर रहा है कि इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है? कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। कोई अगर कहे कि ठीक है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रण करता है, तो आपका ये होगा आंसर क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब दूसरा नंबर इधर से ऑब्जेक्टिव आता है, ये फर्स्ट नंबर, इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑटोनोमस का मतलब कि ऑटोमेटिकली बोलेंगे, ठीक है? थर्ड नंबर है कि इट इज ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अभी देखते हैं कि अगर आप नहाकर आते हैं तो बहुत ठंड लगता है, फिर नहीं नहाते, फिर मतलब अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर या फिर मौसम, इस तरीके से क्या होता है, चेंज होता है, तो ये क्या करता है, वो मैसेज देता है, ठीक है? तो ये क्या करता है कि शरीर के तापमान को भी बैलेंस किया होता है, मतलब नियंत्रित किए रहता है, ठीक है? फोर्थ नंबर समझेंगे, इट इज़ ऑल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। ये मतलब हम लोग के बॉडी में क्या करता है कि फूड और वाटर को भी क्या करता है, बैलेंस किए हुए रहता है। ये नहीं कि मतलब कि कितना खाना है, कितना रेशियो होना चाहिए, पूरा भर लिए यहाँ तक, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। तो हेंस यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, वो तो फर्स्ट था, ठीक है? अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है? मिड ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट है मिड ब्रेन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन मतलब बीच में रहेगा, नाम से आपको पता हो जा रहा है कि ये क्या है, मिड ब्रेन है। क्लियर है ना? तो मिड ब्रेन कह रहा है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट, ठीक है, बिलो, जस्ट बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हैंड ब्रेन, ठीक है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, कर रहे हैं
बिलो, ठीक है, बिलो कह रहा है कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो फोर द बिलो द फोर ब्रेन, ठीक है, यहाँ छूट गया, एंड द अपर साइड ऑफ द हैंड ब्रेन, नहीं हिंड ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि ये अपर साइड जो हो फर्स्ट नंबर और जो हिंड ब्रेन है क्या चीज थर्ड नंबर, इसके बीच में ये लोकेटेड होता है, कौन सा है, मिड ब्रेन, बात समझ में आ रहा है, एन ऐसा थोड़ा पीपीटी में छूट गया। कह रहा है कि मध्य मस्तिष्क जो है वो अग्र मस्तिष्क के नीचे एवं पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर रहता है, तभी तो है इसका। अब ये कह रहा है कि भाई जो मिड ब्रेन है उसका काम क्या होता है, तो ये देखिए क्या है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, कह रहा है कि इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आइज एंड हेल्प्स हियरिंग प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ आइज का मतलब कि ऐसे ऐसे हम लोग आँख चलाते हैं, ठीक है, ऐसे देखे हैं, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, काम कर रहे हैं सामने, नज़र कहीं और है, ये पिक्चर में देखे होंगे कि नज़र कहीं और निशाना कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ नज़र भी वही होना चाहिए, निशाना भी वही होना चाहिए, तो जहाँ नज़र होना चाहिए वही निशाना भी होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि आप इधर पढ़ रहे हैं और मोबाइल इधर उधर चला रहे हैं फिर और भी कोई काम करें तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मूवमेंट ऑफ आइज और हियरिंग प्रोसेस को कौन मेंटेन रखता है, तो आपका आंसर होगा क्या चीज़, मिड ब्रेन, क्लियर है, यह आंखों की गतिविधियों को नियंत्रित रखते हैं और साथ ही साथ सुनने की प्रक्रिया को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है, इज इट क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग समझते हैं, तो पोन्स के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको मिड ब्रेन के ठीक नीचे आपको पोन्स दिखाई देगा, ये रेड कलर का ऐसा दिखाई देगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पोन्स, तो पोन्स के बारे में समझिए, कह रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन, ये जो पोन्स है, ठीक है ना, ये आपका हिंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का पार्ट है और जो हमेशा मिड ब्रेन के नीचे रहता है, ये मिड ब्रेन के कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो कह रहा है यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है जो मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित रहता है, कौन, पोन्स। अब भाई पोन्स का काम क्या है, इट मेंटेन फंक्शन इज दैट इज हेल्प्स टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, यह सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है। अब देखिए किसी का पोन्स गायब हो जाता है मतलब सुतले रह जाएगा, है कि नहीं वादा सब, तो ये कुंभकर्ण में क्या था जी पोन्स का, कि वो तो 6 महीने तक सोया रहता था, 6 महीना जगा रहता था, इस तरह का प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है, जो हमारे पास पोन्स है वो हमेशा हमारे बॉडी में ऐसा प्रोसेस कराता है, मतलब स्लीपिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इज इट क्लियर। आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि इट ऑल्सो मेंटेन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग, अगर मान लेते आप सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, बीच में पोन्स गायब हो जाए, कामें करना बंद कर, तो पता नहीं चलेगा कि सांस लेने क्या, देखते हैं कि कोई आदमी होता है सुतले सुतले ऊपर चल जाता है, अरे सुबह जगह, अरे उठो उठो, तो पता नहीं है, तो कहने का मतलब कि पोन्स इसको कंट्रोल करता है, कि मतलब ड्यूरिंग स्लीपिंग पीरियड इट मेंटेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, सो इट ऑल्सो प्लेज अ पाइवोटल रोल इन आवर बॉडी, इज इट क्लियर। तो ये पोन्स का काम होता है, आप देख लीजिए कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं तो समझते हैं हम क्या चीज़, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, ये मेडुला ओब्लांगेटा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ये देखिए सबसे नीचे है यहाँ पे क्लियर है, सबसे नीचे, तो कह रहा है कि इट लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स, ये पोन्स के नीचे ही रहता है, जस्ट बिलो द पोन्स, ठीक है, जस्ट बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए ये जो हमारा मेडुला है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कनेक्टेड, कनेक्ट किए हुए रहता है, क्लियर है, ध्यान दे दीजिएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी उसको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ होता है, किसी को ऐसे मार भी दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ अगर पीछे किसी को ब्रेन पे ऐसे मार दीजिएगा, ये तीनों में से मान लीजिए मिड ब्रेन पोन से कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए किसी को देखते ऐसे नहीं नहीं मारना चाहिए, बच्चों को भी नहीं। तो कह रहा है कि ठीक पोन्स के नीचे स्थित होता है तथा इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, ये आप बात समझ गए। अब कह रहा है कि इट्स नॉर्मल साइज, इसका साइज क्या होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, किसका, मेंडुला ओब्लांगेटा का। आगे बात करते हैं, तो चलते हैं इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, इट मेंटेन अ ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, देखिए बीपी जिसको आप समझते हैं, बीपी, बीपी हाई या लो या नॉर्मल, ये तीन कंडीशन है, कभी कभी देखते हैं कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाता है, तो उसका बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, नॉर्मल, तो आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो अब इसका जो है काम क्या है, किस तरीके से फंक्शन करेगा, ये जो है आपके
ब्लड बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, इज इट क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शरीर के रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सेकंड नंबर क्या है, जो आपका दिल धड़कता है इसको बोलते हैं ना हार्ट बीट, 1 मिनट में 72 टाइम्स। ये फर्स्ट नंबर हो गया क्या चीज़, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। सेकंड नंबर क्या चीज़ है कि हार्ट बीट को भी मेंटेन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और थर्ड नंबर क्या है, इट ऑल्सो मेंटेन द ब्रीथिंग, ये सांस लेने को भी, सांस लेने की प्रक्रिया को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका तीनों मेंटेनेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लड बीपी को भी मेंटेन करेगा, हार्ट बीट को भी मेंटेन करेगा और सांस लेने की प्रक्रिया को भी मेंटेन करेगा। तो आप ये बेसिक चीज़ समझ गए इसके इसके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, हिंड ब्रेन के बारे में। देखिए सबसे नीचे जो है, ठीक है, और इसमें क्या है देखिए, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, आप ऐसे भी समझ जाएंगे क्या क्या है। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन आता है, सेरेब्रम आता है, क्लियर है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, मिड ब्रेन में इस तरीके से है वो अकेले है, हिंड ब्रेन में पॉन्स आ गया, ठीक है, मेंडुला ऑब्लांगटा आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेरेब्लम आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हाँ भी हिंड ब्रेन में ये तीन अलग अलग पार्ट हो गया, पॉन्स के बारे में समझ गए, मेंडुला ऑब्लांगटा के बारे में समझ गए, और फिर हम लोग सेरेब्लम के बारे में समझेंगे। तो ये भी इस तरीके से समझ जाएंगे क्या है सेरिबेलम के बारे में। देखिए कह रहा है कि इट इज़ अ ओवल शेप्ड विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोन्स। ये ओवल शेप में होता है और मतलब किसके पीछे होता है बताइए, अगर पूछा जाएगा आपसे कि सेरिबेलम जो होता है वो किसके बिहाइंड, किसके पीछे स्थित होता है, तो आपका मतलब आंसर होगा पोन्स के पीछे होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग पोन्स अगर आप समझ रहे हैं तो उसके पीछे रहता है कौन सा, सेरेबलम। ठीक, जब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, अगर ये पोन्स है तो ये आपका, ठीक है, अब आगे कह रहा है ये ओवल आकृति का होता है और ये ठीक पोन्स के पीछे स्थित रहता है। ये काम क्या करता है, इट मेंशन फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। देखिए क्या है कि अगर आप कहीं चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो बिना बैलेंस कंडीशन तो नहीं चलेंगे। अगर कोई अगर वाइन पी के चलता है तो वो अनबैलेंस होता है, ठीक है, अनबैलेंस होता है, उसका जो सेरिबलम है वो अनबैलेंस मतलब काम ही नहीं करेगा, तो बॉडी अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो हम आपको बता रहे थे, ये सारा मतलब ये जो वीडियो आप डिस्कस कर रहे थे, ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक बेसिक नॉलेज है, ताकि आप इसके बारे में कुछ समझ गए, ठीक है, कुछ जान गए। तो इस तरीके से आप पूरा समझ गए ह्यूमन बॉडी क्या है, ठीक है, ब्रेन क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे क्या चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कितने तरह के लेयर होते हैं, कैसे इसका प्रोटेक्शन होता है, साथ ही साथ ये जो इसका लेयर्स ऑफ द ब्रेन हो गया, इस तरीके से आप समझ गए, बात समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं तो पार्ट ऑफ द ब्रेन आ गया, कौन कौन से पार्ट हो गए, ठीक है, आगे चलते इधर फिर इस पार्ट में सेरेब्रम के बारे में हम लोग समझ गए, इसके फंक्शन के बारे में समझ गए, पार्ट ऑफ सेरेब्रम समझ गए, फिर उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेरेब्रम समझ गए, फिर उसके बाद थैलेमस के बारे में समझ गए, ठीक है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में समझ गए, क्लियर है, मिड ब्रेन के बारे में समझे, पोन्स के बारे में क्लियर है, मेडुला ऑब्लांगटा के बारे में समझे, ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है और हिंड ब्रेन के बारे में समझे, और फाइनली इसका सेरिबेलम के बारे में समझे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के फलस्वरूप ये चीज़ पता चला होगा कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या होता है, किस तरीके के पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और इससे रिलेटेड बेसिक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ गए होंगे, ओके, तो थैंक यू। सेकेंड पार्ट हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रेन का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इज इट क्लियर, थैंक यू।